हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रानी, मैं केरला से हूँ। आज की रेसिपी केरला का सिंपल ब्रेकफास्ट आइटम होती है, वीट पुट का रेसिपी है। और राइस पुट का रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है, उसका लिंक मैंने एंड स्क्रीन में दूंगी। आज बहुत सिंपल बनने वाला, बहुत क्विक बनने वाला वीट पुट का रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो नीचे दी हुई लाइक बटन को प्रेस कर लेना। आप साउथ इंडियन रेसिपी को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। चलिए अपन शुरू करते हैं। वीट पुट बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ml का कप का एक कप वीट फ्लोर। ये मैंने जो अपन चपाती वगैरह बनाती हूँ ना, वो सेम वीट फ्लोर मैंने यूज़ कर रही हूँ। मैंने आशीर्वाद आटा का वीट फ्लोर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड का वीट फ्लोर ले सकते हैं, नहीं तो घर पर बना हुआ वीट फ्लोर भी यूज़ कर सकते हो। और अभी अपन ये वीट फ्लोर को एक बाउल के अंदर डाल देंगे। उसके बाद में इसके अंदर स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक को मिलाएंगे। उसके बाद में ये नमक के साथ में वीट फ्लोर को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद में अपन इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका मिक्सिंग कर लेना है। पानी नॉर्मल पानी मैंने यूज़ कर रही हूँ। मैंने चम्मच के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसका मिक्सिंग कर रही हूँ। बस ये जो आटा होती है ना, वो सारे गीला होना है, बस यही पर्पस है पानी डालने का। अभी मैंने स्पून को हटा के मैंने हाथ से इसका थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका मिक्सिंग कर रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये जो आटा होती है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुठलियाँ है, तो इसे अपन पुट नहीं बना पाएंगे। उसके लिए अपन को क्या करना है, ये सारा जो आटा है उसे मिक्सी का एक जार के अंदर डालना है। अभी मिक्सी का ढक्कन को बंद करके अपन ये जो मिक्सी का पल्स बटन होती है ना, उसे 2-3 पल्स मारना है। अभी देखिए, मैंने पल्स मार के लेके हुआ आटा को आप देख सकते हैं, ये सब जगह गीला अच्छी तरह हो चुका है। इसका सारे गुटले चले भी गया, बहुत स्मूथ आटा रेडी हो गया। इसी तरीके का आटा होना चाहिए पुट बनाने के लिए, तभी अपना पुट सॉफ्ट बनेगी। अभी अपन पुट बनाने शुरू कर देंगे। उसके लिए मैंने पुट बनाने का साँचा ले रही हूँ। ऑलरेडी मैंने राइस पुट बनाते टाइम ये साँचा मैंने आपको शेयर कर चुकी है, इसलिए मैंने आपको आज कुछ डिटेल नहीं बताऊंगी। तो ये साँचा की सबसे नीचे अपन डाल देंगे कोकोनट को। ये फ्रेश कोकोनट है, मैंने 2-3 टीस्पून कोकोनट को डाल रही हूँ। उसके बाद में स्पून से इसे लेवल करेंगे। उसके ऊपर अपन डाल देंगे वीट फ्लोर को। वीट फ्लोर ये जो बर्तन होती है ना, उसका आधा अपन भरेंगे। उसके बाद में वापस अपन कोकोनट को डाल देंगे। मैंने 2-3 टीस्पून कोकोनट को डाल रही हूँ। आप कितना कोकोनट डालना पसंद करती हो उतना डाल दीजिए। पुट के अंदर कोकोनट कितना डालती हो उतना टेस्टी हो जाते हैं पुट। तो उसके बाद में वापस अपन वीट फ्लोर को भरेंगे। सबसे ऊपर अपन अभी डाल देंगे कोकोनट को। उसके बाद में ये ढक्कन को बंद करके अपन इसे स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने बर्तन को पानी डाल के उबालने के लिए रखा हुआ था, उसके ऊपर अपन इसे रख देंगे। उसके बाद में अपन फ्लेम को हाई रखना है। 2-3 मिनट के अंदर इसके ऊपर से स्टीम आने लग जाएगा। उसके बाद में 2 मिनट और इसे पकाना है। देखिए, अपना 5 मिनट के अंदर बनने वाला वीट पुट रेडी हो गया। अभी इसे निकाल के एक प्लेट में डाल देंगे। एक कप वीट फ्लोर से आप 2 पुट आराम से बना पाएंगे। इससे ज़्यादा बनाना चाह रही हो तो उसी हिसाब से आप वीट फ्लोर को ले लेना। और मेरा इस सब्सक्राइबर्स ने पूछा था, राइस पाउडर की जगह आप वीट फ्लोर यूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ, ज़रूर आप यूज़ कर सकते हो। वीट फ्लोर से भी आप सॉफ्ट पुट बना सकते हो। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट बना है। और इसके साथ में केला मिला के खाएगा तो भी बहुत टेस्टी लगेगा, उससे टेस्टी लगेगा आपको पुट और चना करी के साथ में खाएगा तो। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप बहुत क्विक बनने वाला इजी सिंपल रेसिपी है। आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई करके देख लेना। ट्राई करके जो भी फीडबैक है आप नीचे दी हुई कमेंट बॉक्स में डालना नहीं भूलना। आप साउथ इंडियन रेसिपी को पसंद करते तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। उम्मीद करती हूँ आज का रेसिपी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो नीचे दी हुई लाइक बटन को प्रेस कर लेना। अगली वीडियो पे एक नए साउथ इंडियन रेसिपी के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।